इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 7 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यूनिट 4 चैप्टर 4.1 अंडर द ग्रीन वुड ट्री दिस इज अ पोएम अंडर द ग्रीन वुड ट्री लेट्स रिसाइट द पोएम फर्स्ट अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड टर्न हिज मेरी नोट unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मुझे ग्रीन वुड ट्री के नीचे रहना बहुत ही अच्छा लगता है. अगर आपको आना है ग्रीन वुड ट्री के नीचे जहाँ पर बर्ड्स जो गाती है और उनको सुनना है, उनका गाना सुनना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं. और यहाँ पर आपके लिए कोई भी एनिमी नहीं है. नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर. कोई भी एनिमी नहीं है, लेकिन कौन एनिमी है आपका? दुश्मन कौन है? एनिमी मीन्स दुश्मन. दुश्मन कौन है? विंटर एंड रफ वेदर. हु डॉथ एम्बिशन शन एंड लव्स टू लिव एट द सन seeking the food he eats and pleased with what he gets. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. अब सेकेंड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं जो इंसान अपने एम्बिशंस को छोड़ दे वही इंसान आ सकता है. जिसका कोई भी एम्बिशन ना हो, जिसे सन के नीचे रहना अच्छा लगता हो, गर्मी में रहना अच्छा लगता हो, और जो भी उसे खाने के लिए मिलता है वह उसे खाए और खुश रहे, तो वो ही यहाँ पे आ सकता है. और यहाँ पर उनके लिए कोई भी एनिमी नहीं है, लेकिन एनिमी कौन है? विंटर और वेदर. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम अंडर द ग्रीन वुड ट्री. आई होप आप बच्चों को समझ आया होगा. इसके साथ हमारे पोयम यही फिनिश होता है. थैंक यू.